हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल पाई एसिड्स कॉम्प्लेक्स यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल्स फॉर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेटल कार्बोनिल्स का जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है और उस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करके हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे आकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अराइज ड्यू टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द स्टडी ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, ये वही बोल रहा है कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग जो मेटल कार्बोनिल्स होंगे या मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें हम लोग बॉन्डिंग का पता कर सकते हैं कि किस टाइप इसमें बॉन्डिंग हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, और दूसरा कि जो भी मेटल कार्बोनिल्स है यानी मेटल कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है सीओ एब्जॉर्प्शन एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो देखो अब क्या है, द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री सीओ मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व एट 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका कहने का मतलब क्या पता है, जब कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, तो जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है जब ये फ्री होता है। फ्री मतलब जब तक इसने किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ, किसी भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, जब तक ये फ्री है तो इसकी जो आईआर जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, पर उसके बाद क्या होता है, इन मेटल कार्बोनिल्स दिस फ्रिक्वेंसी शिफ्ट टू द कितने से कितने, 2125 सेंटीमीटर से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में शिफ्ट हो जाती है। अब ये कह रहा है कि अगर जैसे सपोज करो मेटल कार्बोनिल, अब मेटल आ गया, ठीक है, इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया मेटल कार्बोनिल के साथ, ये क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जो ये सीओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो अभी तक जब तक ये फ्री था इतनी है ना, जब ये मेटल के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 2125 से 1850 सेंटीमीटर के में शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि इससे कम हो जा रही है। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल इन मेटल कार्बोनिल्स। क्योंकि क्या होता है, जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, ये मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो सीओ जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, ये सीओ जो बॉन्ड ऑर्डर होता है यहाँ पर, जो सीओ बॉन्ड ऑर्डर होता है वो घट जाता है। ठीक है, अगर देखो सीओ बॉन्ड ऑर्डर क्यों घटता है मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इससे पहले मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन जो कार्बन होता है वो क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब मेटल क्या होता है कि अगर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो मेटल क्या करता है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि देखो लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं। ठीक है, फिर भी कार्बन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसमें, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेटल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारे पास है लिगेंट, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखो होता क्या, अब क्योंकि बैक बॉन्डिंग होती है जिससे क्या होता है कि सी और एम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, क्योंकि अगर इनके बीच में दो बॉन्ड बन रहे, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो मेटल और कार्बन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में नज़दीक आ जाएंगे भाई। नज़दीक आने से क्या होगा, जो भी इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा उनके। ठीक है, और जबकि अगर इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, कार्बन और मेटल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, सी और ओ के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, मतलब कि जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका वो घट जाएगा। किसका, सी ओ का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा जब मेटल कार्बोनिल के अंदर सी ओ होगा तब। ठीक है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी सिंपल बात है घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी, समझो। ठीक है, तो अगर जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ता है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड सामर्थ्य बढ़ती है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। ठीक है, तभी ये लिखा हुआ कि तभी ये शिफ्ट हो जाता है नीचे को। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल इन मेटल कार्बोनिल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि एज द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, अगर देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, बॉन्ड कितने होते हैं किन्हीं भी दो एटम के बीच में, कितने बॉन्ड होते हैं, इसको बोले बॉन्ड ऑर्डर। अगर सपोज करो अभी तीन बॉन्ड हैं,
तीन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। अगर सपोज करो ये दो ही बॉन्ड बन जाए, हम क्या बोलेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर तीन था, इसका बॉन्ड ऑर्डर दो था, तो बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो इसमें जो बॉन्ड है वो भी तो कम रहेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, कम चाहिए, ठीक है। तब ये बोल रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट जाती है एंड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी शिफ्ट टूवर्ड्स लोअर रेंज। तो जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इतनी है ना वो लोअर रेंज की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, किसकी, सीओ की, ठीक है। दस द हायर द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ग्रेटर विल बी द डिक्रीज इन वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ये क्या बोल रहा है, अगर मेटल और कार्बन के बीच में जितनी मेटल और कार्बन के बीच में जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी ना उतना ही जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, बोल रहा ना डिक्रीज सीओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो घट जाएगी, ठीक है। तब बोल रहा है कि बैक बॉन्डिंग ग्रेटर विल बी द डिक्रीज इन वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, किसकी बात कर रहा है, सीओ की बात कर रहा है, ठीक है। दस फ्रिक्वेंसी ऑफ सी ओ बॉन्ड डिक्रीज ड्यू टू, नंबर वन, देखो सी ओ बॉन्ड की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज क्यों होती है, नंबर एक, बैक डोनेशन ऑफ मेटल, अगर मेटल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो सी ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। नंबर टू, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, ठीक है, अगर मेटल में नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको भी एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास दो मेटल है, एक मेटल न्यूट्रल है, एक मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके कंपेयर में, अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा बताओ, कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, बैकबॉन्ड जल्दी बनाएगा, बैकबॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाएगा इसके कंपेयर में, ठीक है। अगर बैकबॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो सीओ जो बॉन्ड होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ा था, उसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तब बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, अगर मेटल पर नेगेटिव चार्ज हो तो भी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जिससे सीओ बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ सीओ बॉन्ड डिक्रीज, ठीक है। नंबर थर्ड क्यों हो सकता है सीओ बॉन्ड फ्रिक्वेंसी डिक्रीज, अगर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सीओ बाय लिगेंट हैविंग जीरो और लो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। देखो तो क्या होता है ना, जो सीओ है वो क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी की ज़्यादा होती है। अगर हम सीओ लिगेंट की जगह में कोई ऐसा लिगेंट लगा दें जिसकी जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है वो कम हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज ड्यू टू, देखो अब फ्रिक्वेंसी डिक्रीज तो इन कारण कैसे होती है, अब सीओ जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज कब होगी बताओ, नंबर वन, पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, हमको ये तो पता चल गया कि सीओ बॉन्ड ऑर्डर जो है, सीओ बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो डिक्रीज क्यों हो रही है, मैंने ये समझा दिया, ठीक है। दूसरा, अब सीओ जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, सीओ बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, ये इंक्रीज कब हो सकती है बताओ भाई, बैक बॉन्डिंग के उससे तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर बैक बॉन्डिंग ना हो, बैक बॉन्डिंग कम हो तो क्या हो सकता है, देखो जैसे सपोज करो हमारे पास कोई मेटल है जिस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, अब इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ को दे दिया, क्योंकि इस पर तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से ही है, अगर पहले से ही इस पर कमी है तो क्या होगा, क्या ये दोबारा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, नहीं देगा ना, अगर देगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में देगा, जिससे क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बैक बॉन्डिंग है वो कम होगी। अगर मेटल कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या, अट्रैक्शन कम होगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा जैसा था वैसा ही मतलब बना रहेगा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो सीओ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, तो यहाँ पर सबके सब मेटल देख सकते हैं, इसमें जो ये मेटल है ना Mn मैग्नीज, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, बैक बॉन्डिंग कम होगी तो जो C और O के बीच में जो फ्रिक्वेंसी होगी, इनका जो बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, देखो इन तीनों में, ठीक है। जबकि इस पर क्या है, वेनेडियम पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, वेनेडियम और जो कार्बन मोनोक्साइड या कार्बोनिल है इसके बीच में जो कार्बन है ना, इसके बीच में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, अभी मैं पहले समझा चुका, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो इसकी स्ट्रेचिंग क्या होगी, सी डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग कम होगी, ठीक है, तो याद रखना। नंबर टू, सीओ जो फ्रिक्वेंसी वो इंक्रीज हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है, फ्रिक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन ऑफ सीओ बाय लिगेंट हैविंग हाई पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी देन सीओ, ठीक है। इसलिए ऐसे भी अगर कोई हम सीओ को ऐसे लिगेंट से रिप्लेस कर दें जिसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है वो सीओ से ज़्यादा है तो भी क्या हो सकता है, जो सीओ फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, वो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेटल कार्बोनिल्स में है को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
नंबर वन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, कोई भी मेटल जो कार्बोनिल्स है उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से उसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ आईआर बैंड फॉर ईच ज्योमेट्री। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। देखो हमारे पास ये है आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसकी दो ज्योमेट्री पॉसिबल होते हैं, एक को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक को बोलते हैं स्क्वायर, एक को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ आई आर बैंड फॉर ईच ज्योमेट्री। हम इस ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री के लिए क्या करेंगे, पहले आई आर बैंड जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन वी रन द आई आर स्पेक्ट्रा एंड टैली द नंबर ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व विद द नंबर ऑफ बैंड्स प्रिडिक्टेड थ्योरेटिकली फॉर ईच ज्योमेट्री। तो ये क्या बोल रहा है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, दोनों ज्योमेट्री, अगर दो ज्योमेट्री पॉसिबल हैं तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इनके जो आई आर बैंड है उनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम दोनों ज्योमेट्री में क्या करेंगे, यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या करेंगे, हम लोग आई आर स्पेक्ट्रा रन करेंगे। ठीक है, एंड टैली द नंबर ऑफ बैंड, अब जो आई आर स्पेक्ट्रा रन करने के बाद जो बैंड आएंगे ना उसको मैच करेंगे। जैसे सपोज करो इसके लिए हमने दो बैंड पहले कैलकुलेट किए थे, ठीक है, और जब हमने इस कॉम्प्लेक्स का आई आर स्पेक्ट्रा रन किया तो उसमें भी दो ही बैंड मिल गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ज्योमेट्री यही होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, FeCO का होल फाइव कैन हैव टू ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, सिंस आई आर बैंड एक्चुअली ऑब्जर्व टैली विद द नंबर ऑफ सच बैंड कैलकुलेटेड फॉर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो बोला कि जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है उसके लिए जो हमने कैलकुलेट आई आर बैंड कैलकुलेट किए थे, जब इसको हमने रन कराया, इसका स्पेक्ट्रा रन कराया तो सेम बैंड मिल गए, ठीक है, मैच कर गए, तो इसका मतलब कि FeCO का फाइव जो है उसकी जो ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। ठीक है, तो दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है डिटेक्शन ऑफ टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है, जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, जैसे मेटल कार्बोनिल्स है ये वाला, इसमें क्या है, जो ये CO है जो दो मेटल के बीच में, ये ब्रिजिंग CO है, और जो ये वाले CO जो किनारे पर, इसका मतलब टर्मिनल CO। ठीक है, तो जो आई आर स्पेक्ट्रोपी है इसको, जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने ब्रिजिंग CO हैं, ठीक है, कितने टर्मिनल CO हैं। ठीक है, तब होता क्या है कि जो CO ग्रुप है, जो टर्मिनल वाला जो किनारे पर CO होता है, उसमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, जो ब्रिजिंग वाला होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और जो ब्रिजिंग CO है ना, ब्रिजिंग CO इज वीकर देन फॉर्मर, मतलब कि जो ब्रिजिंग CO है वो इससे कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें वैसे भी देखो यहाँ पर तीन बॉन्ड है, यहाँ पर दो बॉन्ड है, तो इसको कमज़ोरी होना है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ टर्मिनल CO लाइज इन द रेंज, इस इतने से और इतने के बीच में जो टर्मिनल जो किनारे पर CO हैं उनकी फ्रिक्वेंसी रहती है। ठीक है, एंड देट ऑफ ब्रिजिंग CO लाइज इन द रेंज ऑफ इतना, तो इससे कम है ब्रिजिंग CO की, क्योंकि ये जो ब्रिजिंग CO है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ठीक है, दस विद द हेल्प ऑफ आई आर स्पेक्ट्रा दीज टू टाइप्स ऑफ CO ग्रुप्स कैन बी डिटेक्टेड। तो आई आर स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में कितने CO ब्रिजिंग हैं, कितने CO नॉन ब्रिजिंग हैं यानी टर्मिनल हैं, उसको हम लोग जान सकते हैं।